में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया और इस उमस भरी गर्मी में उमड़ रहे कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर गदगद राठी जी नजर आ रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे पूर्व विधायक नफे सिंह राठी जी से। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन का क्या आयोजन था और क्या रणनीति है आपकी? आज हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी जी, और हमने सोचा था कि 400-500 लोगों से राय ले हम, लेकिन 2500 से ज़्यादा हमारे शुभचिंतक इसमें शामिल हुए जी, और उनसे इजाज़त ले करके और उनकी भावना और मेरी भावनाओं के अनुरूप हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जाने का फैसला किया है। और अगले इतवार को 22 जुलाई को एक बहुत भारी जलसा हम बहादुरगढ़ में करने जा रहे हैं, जिसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता हैं और विधानसभा में विपक्षी नेता हैं और माननीय श्री अशोक अरोड़ा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उसमें शरीक होंगे, और चौटाला साहब और अरोड़ा जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में बहादुरगढ़ के हज़ारों लोगों को शामिल करने के लिए आए जी। और इंडियन नेशनल लोकदल में पूर्व विधायक की घर वापसी, जिसका ऐलान किया जाएगा विधिवत रूप से 22 जुलाई को प्रतिपक्ष नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में, और हम बात करना चाहेंगे राठी जी से। राठी जी, जैसा कि गत नगर परिषद चुनाव में कहा जा रहा है कि राठी जी की धाक रही प्रत्याशियों को जिताने में भी सफल रहे हैं अपने समर्थकों को, और इनेलो में फिर घर वापसी, क्या रणनीति है 2019 के जो विधानसभा चुनाव है इसकी तैयारी का आगाज आपने ताल ठोक दी है? देखिए, बहादुरगढ़ नगर परिषद की राजनीति अलग है जी। बहादुरगढ़ नगर परिषद की राजनीति में लगातार 22 साल तक हमारा कब्जा रहा है जी, और पिछली बार टॉस से हम रह गए थे, एक वोट कैंसिल करवाई गई हमारी जी, और उसके बाद टॉस हुआ, टॉस में हम रह गए जी। कोई बात नहीं है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बीजेपी की सरकार है और हमने पूरे हरियाणा में जब चुनाव डिक्लेयर किए मेंबर्स के पार्षदों के, तो हमने ये कहा था कि हम बहादुरगढ़ में बीजेपी का चेयरमैन नहीं बनने देंगे जी। पूरे हरियाणा में बीजेपी के चेयरमैन बने हैं और बहादुरगढ़ में बीजेपी तीसरे नंबर पर आई, और उसका कारण था कि हमने बीजेपी को तीसरे नंबर पर लाने का काम किया। ये ठीक है कि एमएलए एमपी की वोट डलने के बाद हम एक वोट कैंसिल होने के बाद हम टॉस में हारे हैं, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और उम्मीद है कि 3 महीने के बाद में दोबारा से शायद अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो ये कांग्रेस की चेयरमैन भी हट जाएगी। और प्रदेश की राजनीति में यह आपकी चुनावी ताल ठोकने का एक कदम माना जा रहा है विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर? ये फैसला पार्टी का होता है जी। कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति अपने आप को उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकता और ना उसको करना चाहिए, इसलिए पार्टी के नेताओं को देखना है कि कौन आदमी किसको उपयुक्त वो समझे उसको टिकट दे। हम तो कार्यकर्ता रहे हैं, 32 साल में पार्टी में लगातार रहा हूँ, अब 4 साल बाहर रहा हूँ, तो हम कार्यकर्ता के तौर पर ही पार्टी में काम करते हैं, जो पार्टी का फैसला होगा उसको मानेंगे। थैंक यू। सिंह राठी द्वारा दावा किया जा रहा है कि इनेलो में उनकी घर वापसी है और यह तय करना पार्टी नेतृत्व का काम है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इनेलो से ताल ठोकने का काम करेंगे नफे सिंह राठी या नहीं, तय करेंगे पार्टी आला कमान। बहादुरगढ़ से कैमरामैन रवि कुमार के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट। Thank you.